पहुंच चुके हैं वक्त के उस मुकाम पे जहां पहुंचने के लिए 8 टीमें लड़ रही थी, वहां पहुंची है सिर्फ इंडिया और इंग्लैंड। जी हाँ बिल्कुल, WCC 3 टूर्नामेंट का जो फाइनल है वो यहाँ पे आज अपन खेलने जा रहे हैं। तो इंग्लैंड पहुंची थी न्यूजीलैंड को हरा के और इंडिया पहुंची है सीधा साउथ अफ्रीका को हरा के। तो हम यहाँ पे करते हैं टॉस, हेड्स का कॉल है, देखते हैं किसके फेवर में जाता है सिक्का। भाई हम टॉस हार चुके हैं लेकिन जो डिसीजन है वो अपने फेवर में है क्योंकि अपन भी बॉलिंग ही लेना चाहते थे और इंग्लैंड ने यहाँ पे चुनी है बैटिंग। तो भाई मैं अंकित स्वागत करता हूँ आपका इस फाइनल के मौके पे, खूबसूरत ग्राउंड पे स्वागत है आप सब लोगों का। हम कराएंगे सबसे पहले बॉलिंग, उम्मीद रहेगी कि इनको बहुत कम से कम रनों पर रोका जाए और इस टूर्नामेंट को अपने घर में ही रखा जाए। घर में ही मैच हो रहा है, चेन्नई का ये ग्राउंड है। बहुत ही बढ़िया पहला ओवर करवाएंगे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से। तो भाई ये फाइनल का मौका है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे अपन, कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहेंगे। जैसा अपन खेलते आ रहे हैं वैसा ही खेलेंगे, वरना एक्सपेरिमेंट के चक्कर में यहाँ पे ट्रॉफी हाथ से निकल जाएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो लीजिए भाई सजा लिया खूबसूरत फील्डिंग अपनी, जहाँ ये अपने को मदद करेगी इस मैच को पूरा जीतने के अंदर। इस मैच को अपने को कोई जिताएगी तो मैं बता रहा हूँ अपनी फील्डिंग अपने को जिताएगी। पहली बॉल फाइनल की बहुत अच्छी बॉल, उससे भी अच्छी फील्डिंग। तो भाई आगाज हो चुका है यहाँ पे सबसे बड़े मुकाबले का, एक बॉल हो चुकी है, धीमी शुरुआत इंग्लैंड की, कुछ नहीं मिला, उठा के खेला है, कैच का कॉल है, देखते हैं क्या होता है। कैच नहीं यार, ये मिस फील्डिंग इतने बड़े मौके पर, ये नर्वसनेस में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। भाई चौका चला गया जो कि नहीं जाना चाहिए था, अच्छा शॉट था, पॉइंट के ऊपर से खेला था, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बॉल जो हो चुका उसका कोई गम नहीं, ड्राइव मारा है, फील्डर पकड़ लेंगे, कोई रन नहीं, बढ़िया डॉट बॉल, गैप नहीं मिला यहाँ पे इंग्लैंड को, सीधी फील्डर के हाथों में। तो चौथी बॉल पहले ओवर की, 4 रन ऑलरेडी हो चुके हैं, बढ़िया ड्राइव लेकिन फिर से गैप नहीं मिला, सीधी फील्डर के हाथों में, सटीक थ्रो जिससे कोई रन नहीं ले पाए, ऐसी फील्डिंग चाहिए बस, चलती रहे पूरी के पूरे दो ओवर, उठा के खेला है, कैच का कॉल, अरे नहीं यार। तो ये भाई यहाँ पे 4 और 6 10 रन, इस ओवर में रन बन चुके हैं 10, एक बॉल अभी भी बाकी है, क्या होता है इस एक बॉल में, कि 4 जाएगा 6 जाएगा या आउट होगा। बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, रोक लिया जान पे खेल के बॉल को। तो भाई एक ओवर में रन हो चुके हैं इंग्लैंड के 10, बढ़िया शुरुआत यहाँ पे, पूरी तरह से जो मैच है अभी तक इंग्लैंड अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह से, अभी देखते हैं, पूरा का पूरा मैच इस ओवर पे डिपेंड है। तो भाई अपना दूसरा ओवर भी रफ्तार से लेके आएंगे, उठा के खेला है, फील्डर मौजूद नहीं है, ये गलत हो गया, 4 रन, कवर्स के ऊपर से उठा के खेला था, बढ़िया शॉट था वैसे, कदमों का भी अच्छा इस्तेमाल किया। तो भाई दूसरी बॉल ओवर की, पहली बॉल में अपन खा चुके हैं, अच्छा ओवर नहीं जा रहा भाई ये, बढ़िया बॉल सीधी फील्डर के हाथ में, निराश होगा इंग्लैंड। तीसरी बॉल भाई उठा के खेला है, कैच का कॉल है लेकिन शॉट परफेक्ट था, कैच के कॉल का कोई मतलब नहीं है, कोई दर्शकों में से ही लेगा कैच। वही 4 और 6 फिर 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में, ये मुकाबला मुझे लग रहा हाथों से जा रहा है, उठा के नहीं खेला, बहुत ही अच्छी थ्रो है, रन आउट होने का चांस था लेकिन बढ़िया रनिंग थी, ये चांस भी अपने हाथ से गया। मैं बोलूँगा जो स्टार्टिंग में अपने कैच है वो अगर पकड़ लेते तो मैच शायद अपने हाथ में आ सकता था, कैचेस विन मैचेस, और अपन ने वो कैच ही छोड़ दिया। लास्ट बॉल भाई, अभी तक भी अगर यहाँ अपन रोक लें, इस बॉल में कुछ नहीं जाए तो अपने फेवर में है, अभी तक देखते क्या होता है, क्या होता है, नहीं मारा उठा के, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया किस्मत अपने साथ होगी, डायरेक्ट थ्रो का ट्राई होगा, 1 रन भागा भाई, सिर्फ 23 रन का टारगेट है लेकिन फाइनल जैसे मौके पे 23 रन बहुत होते हैं। तो इंडिया नीड 23 रन्स इन 2 ओवर्स, तो 12 बॉल में रन चाहिए 23, 11 की रन रेट से। भाई एक राइट हैंडेड बैट्समैन और एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का कॉम्बो के साथ उतरूंगा मैं यहाँ पे फाइनल में,
भाई दूसरी इनिंग्स का यहाँ पे अपन करते हैं स्टार्ट। जल्द से जल्द सबको इंतज़ार है कि इस टूर्नामेंट का क्या रिजल्ट होगा, कौन सी टीम ले जाएगी इसको। पहली बॉल उठा के खेलेंगे, अटैकिंग शुरुआत होगी। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही अटैकिंग होगी भाई, पहली बॉल पे विकेट पड़ गया जो कि नहीं पड़ना चाहिए था। अब संभल के खेलना पड़ेगा भैया। दूसरी बॉल वहीं पे पिच, बढ़िया परफेक्ट शॉट, सीधा सिक्स, बहुत ही अच्छे सीधा सिक्स, थर्ड मैन की तरफ से सीधा स्वीप मारा था, बहुत अच्छा शॉट। एक बार रिप्ले देख लेते हैं, मैंने मारा है। बॉल अच्छी थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन शॉट उससे भी बेहतरीन। फील्डर सिर्फ देखते रह गए, दर्शक बन गए। तो भाई अभी भी इन्होंने फील्ड को हिलाया नहीं है, अगर शॉट खाने के बाद भी तो अपने पास अभी भी मौका है। अरे यार ये टाइमिंग में बहुत बड़ी गलती हो गई, ये टाइमिंग का खेल है पूरा। तो भाई तीन बॉल हो गए, छः रन बने, दो विकेट पड़ चुके हैं अपने। अभी इन्होंने फील्ड को चेंज किया है, मैं कवर्स के ऊपर से उठा के खेलना चाहूँगा। सीधी बॉल तीसरी, गैप में गया, चार मिलेगा भाई। तो भाई यहाँ पे अपने हो चुके हैं 10 रन, किस्मत साथ दे गई, कैच का कॉल था लेकिन शॉट थोड़ा अच्छा लगा था, टाइमिंग थोड़ी अच्छी थी पिछली बॉल से, इस वजह से चौका मिला। 10 रन अपने हो चुके हैं, थोड़ा अपन रिलीफ ले सकते हैं। यहाँ पे दो बॉल और से 100 ओवर की, बढ़िया शॉट, गैप में नहीं गई, कोई दिक्कत नहीं। 2 रन भागेंगे, अच्छी रनिंग, रन आउट होने का चांस था लेकिन अच्छे भागे भाई, लेट शॉट था, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट बॉल 12 रन हो चुके हैं, फाइनल अपने फेवर में जा रहा भाई, बढ़िया चौका मिलेगा इस बॉल पे, बढ़िया शॉट, बहुत ही अच्छे। 16 रन हो चुके हैं एक ओवर में। तो एक कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपन जीतने वाले हैं मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन क्रिकेट का ये खेल है, कभी भी पलट सकता है साला। एक ओवर में 16 रन, अभी अपने को रन चाहिए बहुत कम है एक ओवर में, प्रेशर थोड़ा हल्का होता हुआ। टारगेट है 23 का, 7 रन और चाहिए 6 बॉल में। ये मैं लॉफ्ट करके खेला था लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता इसने उठाया क्यों नहीं। दूसरी बॉल उसी डायरेक्शन में मारेंगे, ये भी मैंने लॉफ्ट करके खेला था पर पता नहीं क्यों नहीं उठाया। वह 4 बॉल में 7 रन, 9 बॉल थी बहुत ही अच्छे, 5 बॉल में 6 रन, फ्री हिट मिलेगी उठा के खेलूँगा, आउट होने का भी कोई डर नहीं है अपने को यहाँ पे। परफेक्ट शॉट, 6 जाएगा भाई, फ्री हिट पे मिला 6 रन हो चुके हैं 23, मैच अपने हाथ में है। 2011 वर्ल्ड कप की तरह ये मैच भी उठा के जिताया, अपनी स्टाइल में जिताया, 6 से अपन ने सीधा टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया, फाइनल जीत चुका है इंडिया। बहुत ही अच्छा शॉट था, बहुत ही अच्छा, खुशी का ठिकाना नहीं है। ये टूर्नामेंट अपने घर में रहा, चेन्नई के ग्राउंड में अपन ने सीधा 6 से टूर्नामेंट नाम किया अपने, 8 विकेट से इंडिया जीत चुका है। बहुत ही अच्छा शॉट था लास्ट में, बहुत ही अच्छा 6 था लॉन्ग ऑफ की तरफ से, बहुत ही अच्छी खेली टीम इंडिया, तारीफ करूँगा मैं इसकी बैटिंग की। बॉलिंग में थोड़ी हल्की पड़ गई, रन इतने नहीं देने चाहिए थे लेकिन लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। टूर्नामेंट अपन ने अपने नाम कर लिया, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। इंग्लैंड अच्छी खेली थी पूरा टूर्नामेंट में। ये रहे भाई अपने मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने लास्ट में 6 देके अपने टूर्नामेंट को नाम गिराया, MS धोनी स्टाइल में, बहुत ही अच्छे। तो भाई ये अपना टूर्नामेंट का समापन होता है, विनर दादा सीधा टीम इंडिया। तो मिलते हैं भाई एक और टूर्नामेंट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।